स्वच्छ भारत मिशन के तहत परफॉर्मेंस ग्रांट समिति की बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में सीडीओ सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर, बीएसए बीएन सिंह सहित संबंधित खंड विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान मौजूद रहे। बैठक में 2016-17 में ग्राम पंचायतों के लिए शासन द्वारा दिए जाने वाले परफॉर्मेंस ग्रांट के संबंध में चर्चा की गई। गौरतलब है कि गोरखपुर जनपद में 34 ग्राम पंचायतों को परफॉर्मेंस ग्रांट के लिए चयनित किया गया है, जिसके तहत गांव में ही पंचायत घर, शौचालय, साफ सफाई, सड़क नाली सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सभी 34 ग्राम पंचायतों के लिए ही शासन ने धन अवमुक्त किया है, जिसका DPR बनकर तैयार है, जिसको लेकर CDO ने निर्देश दिया कि ई टेंडरिंग के माध्यम से गांव के विकास के लिए शासन द्वारा जारी और परफॉर्मेंस ग्रांट की सूचिता के साथ पालन करते हुए उसे गांव के विकास में खर्च किया जाए, जिससे गांव का समुचित विकास किया जा सके। लगातार मिलेंगे, कल जो भी आएंगे आप अपनी डाउट्स ग्रुप में डाल सकते हो और हम उसको नोट कर लेंगे और नीरज को फॉरवर्ड कर लेंगे, जैन को कर लेंगे, ये लोग उसके सोल्यूशन आपको दे दीजिए और पूरा जो आपका आदेश है उसको पढ़ लीजिए जो आपको दिया गया परफॉर्मेंस ग्रांट को लेकर और उस प्रक्रिया को किस तरह से आपने क्रियान्वयन करना है फिर से कि आप लोग पूरी प्रक्रिया का पारदर्शी तरीके से फॉलो करते हुए समयबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को करें। जिला स्तर पे जो भी सपोर्ट चाहिए आपको दी जाए, आपकी हर तरह से मदद की जाएगी, आपको इसमें एक अच्छा कार्य करने का मौका है जिसको आप करके दिखाएंगे। आने वाले बहुत कम समय में हम इसको कर देंगे। हिमाचल ग्राम पंचायत और PAO कौन है? आपका PAO कौन है आपका?